सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज जानशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा पॉइंट्स लाइक डाउट सेशन वाले हैं एंड लाइव सेशन नहीं कर पाते, थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, नहीं तो लाइव सेशन करके आपके डाउट्स उसमें क्लियर किए जा सकते हैं। बट मैंने कहा चलो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जैसे कि अभी एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर सेकेंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से करें या ना करें, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में कैसा क्या होता है, कुछ कैंडिडेट के फॉर्म मिस्टेक्स हो गए। अभी वीडियो बनने से पहले मैं लगभग 15 मिनट इंस्टाग्राम पर था, वहाँ पर कैंडिडेट के कॉमन से क्वेश्चन थे, भैया एक्स ग्रुप सेलेक्ट हो गया है, वाई ग्रुप करना था, क्या कर सकते हैं, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। वैसे एयरफोर्स में कभी आपका लाइक एडिटिंग का ठीक है फिर से ऑप्शन कभी भी नहीं है, तो इस बार तो कभी अभी तक आया ही नहीं कभी, और इस बार भी नहीं आएगा। अब इस बार तो बहुत कम ही टाइम है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप सभी की अच्छी चल रही होगी, कोई डाउट आ रहा हो किसी भी टॉपिक से लेके, एग्ज़ाम से लेके किसी टॉपिक से लेके, फिजिकल मेडिकल किसी भी टाइप का, फेस सेकेंड एग्ज़ाम, 81 टेस्ट, 82 टेस्ट, और कैसे क्या होता है, कहाँ कैसा होता है, एवरीथिंग। कानपुर डेली सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हो कि अदर सेंटर्स का, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कैंडिडेट के रिव्यू शेयर किए हैं, मैं बता दूँगा कि कैसा क्या प्रोसेस होता है, बाकी डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो देखो पॉइंट्स पॉइंट बाई डिस्कस करते हैं। जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया, इंग्लिश में 50 से कम नंबर है, उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट करेंगे जाके कहाँ पे, एयरफोर्स में रिजेक्ट क्लियर करके करते हैं, मतलब करते ही नहीं। जिन्होंने जैसे बहुत आप लोगों में से आपके दोस्त होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं और फोटो अपनी नॉर्मल लगा दी, क्या रिजेक्ट कर देंगे, नहीं करते एयरफोर्स में ऐसा, रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन ODOP मान लेते हैं, जब आपका फेस सेकेंड में डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिस दिन आपका फेस सेकेंड एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन सारी की सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं और बहुत अच्छे से चेक की जाती हैं। इस वजह से उस पर DOP वगैरह लिखा होता है, तो उनको दिखाई दे जाता है कि रिसेंट का फोटो है, बाकी उसका कोई उतना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, बाकी जिन्होंने नहीं लिखा या कुछ मिस्टेक कर दी, जैसे किसी का 85-34 नंबर पड़ गए या कुछ और मिस्टेक, नॉर्मल छोटी सी मिस्टेक, अब ये नहीं जैसे कि आधार कार्ड नंबर गलत पड़ गया, डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गया, अब डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गई, आई मीन कि उस रेंज में आप आ रहे हो, उस रेंज में आ रहे हो, कि ये नहीं कि कुछ भी, कि आपका जैसे एक एज बोला था कि आपका 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए और आपने एज डाल दिया 24.5 साल या कुछ भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, तो फिर आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, अदरवाइज़ रिजेक्ट का कोई चांसेस नहीं होता है। जिसकी कुछ भी गलतियाँ हो गई छोटी मोटी, हाँ फॉर्म फिलिंग में किसी की गलती हो गई है तो उसका कोई सॉल्यूशन, मतलब फॉर्म फिलिंग आई मीन कि एक्स की जगह पे वाई हो गया, वाई की जगह पे एक्स हो गया, या जिसे एक्स का फिल करना था उसने वाई का फिल कर दिया है, उसका कोई वो ऑप्शन ही नहीं है, उसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हो, दूसरा मेल आईडी से कर सकते हो, दूसरी जगह से मतलब अप्लाई कर सकते हो। बोलोगे आप यहाँ पे एक आपका डाउट आएगा, मैं सिंपल से जानता हूँ कि आप बोलोगे भैया आधार कार्ड तो फिल कर चुके हैं तो मैच कर जाएगा, पैन कार्ड से कर दो अगर करना है तो, बाकी एक फॉर्म जैसे एग्ज़ाम दोगे तो वो वाला रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी जिसे करना हो एक ऑप्शन है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। एक्स का अगर फिल करना तो एक्स का कर दिया है, बोथ का फिल कर दिया, मैं बोलूँगा अभी जो भी कैंडिडेट कन्फ्यूज हो आप बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल कर दो, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर, हाँ चलो ठीक है। तो ये तो पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर पे ये जो मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स हो रहे थे, कैंडिडेट के डाउट्स आ रहे थे, वो अभी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट और डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, कि एग्ज़ाम डेट्स सभी को पता है, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से रिवाइव कर देता हूँ। 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम होंगे और मे भी 3 से 4 दिन चलेंगे फॉर्म, क्योंकि अभी रिसेंट का अभी शाम का अपडेट है, चाहते तो वो भी मैं वैसे मैंने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया, जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर आज शाम को एक वीडियो आया है जिसमें स्टैटिक प्रीपोजिशन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, वो जरूर देखना, 2 नंबर के स्टैटिक इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलेंगे स्पेसिफिक टॉपिक देन प्रीपोजिशन यू शुड कवर, एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो उससे भी रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा, और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट वरी कि हाँ भैया PDF कैसा क्या। तो मैंने अभी कुछ Part 1 किया, Part 2 और 3 में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ये हो गई कॉमन सी चीज़, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और तो प्रीपोजिशन का मैंने बता दिया आपको, अब आ जाते हैं मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आप सभी की अच्छी चल रही होगी, जहाँ से भी कर रहे हो अच्छी बात है, अपन जो कर सकते हैं आप सभी के लिए कर रहे हैं, अर्थमेटिक मैथ्स में वगैरह वगैरह जो PDFs आपको प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर की भी PDF आपको प्रोवाइड करा दी है, GK का भी आपको हम डेली मॉक टेस्ट करा रहे हैं, कल फर्स्ट आया था सेकेंड भी आ जाएगा, इंग्लिश का भी करा दिया, जो अपन कर सकते हैं डेफिनेटली कराएंगे। अब यहाँ पे फेस सेकेंड एग्ज़ाम की डेट 24 से मतलब 7-8 मतलब 5-6 दिन तो मान लो चलने वाली है, लास्ट टाइम 12-18 जुलाई हुई थी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 डेज तो आप मान सकते हो एग्जाम डेज का। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन आपका आ जाता है फेस सेकेंड एग्ज़ाम, फेस सेकेंड एग्ज़ाम की भी डेट एयरफोर्स ने इस बार मेंशन कर दिया, ने मेडिकल एग्ज़ाम की डेट भी मेंशन कर दिया, बट उससे पहले रिजल्ट डेट आ जाएगा। रिजल्ट डेट क्या दे रखी है, 10th ऑफ अगस्त, लेकिन एग्ज़ाम और फॉर्म फिलिंग
30 जुलाई तक मैं कहता हूँ आपका, 5 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा, पेपर 24 दिन आपका लगभग कितने बचते हैं, 18 दिन आपके एग्ज़ाम को बचते हैं। जबकि एडमिट कार्ड कब आते हैं, 3 दिन पहले आते हैं, एडमिट कार्ड कब आते हैं, 3 दिन पहले आते हैं। तो एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आते हैं आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, लेकिन एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपको पहले ही पता चल जाती है। तो ये आपको पता चल जाएगी लगभग मैं बोलूँ तो 12 से 13 तारीख को और मैक्सिमम मान सकते हो 15 तारीख तक आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपको पता चल जाएगी। मैक्सिमम एक महीने का भी टाइम आप सभी के लिए प्रिपरेशन के लिए नहीं बचा हुआ है। 15 तारीख आपका एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी, एग्ज़ाम सिटी। एडमिट कार्ड तो आपको उसी दिन आता है, मतलब जिस दिन आपका पेपर होगा ना उससे 2 दिन पहले, लेकिन आपको सिटी पता चल जाएगी, कानपुर में पेपर है, अच्छा किस तारीख को है, किस शिफ्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना और शेयर कर देता हूँ, जिसको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं डेफिनेटली परीक्षा पे लगा सकते हैं। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट हैं, ईजी के चक्कर में मत पड़े रहना। जिनका भी कैंडिडेट का मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट कर जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई कॉमन सी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपका फिर पेपर थोड़ा सा भी हार्ड आ गया तो फिर आप सोचोगे बैठ करके, ठीक है। तो मैं उसी के लिए परीक्षा आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल का, इतना हार्ड नहीं है, इतना ईजी नहीं है। आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप कहीं पर भी लगा रहे हो, अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी लग रही हो तो आप जाके वहाँ पे फ्री वाले मॉक टेस्ट को पहले लगाओ, 1 से 2 जो फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनको लगाओ। अगर आप वहाँ पे, उनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं तो बोलता हूँ जहाँ मन हो वहाँ लगाओ, लेकिन आप एक बार जाके वहाँ पे लगाओ, फ्री वाले लगाओ, देन आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपका मैं बाइक करने का तरीका यहाँ पे शो कर दूंगा, कैसे बाइक करना, परीक्षा ऐप पे जाना, टेस्ट सेक्शन में जाना, टेस्ट को सेलेक्ट करना, देन एक कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 फिल कर देना, उससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मीन्स 125 रुपीज़ जो प्रीवियस वाले हैं, और जो न्यू वाले आए हैं अग्निवीर करके उनका 175 रुपीज़ प्राइस है। फिर भी अगर इसमें भी कुछ चीज़ें ना समझ में आए, कुछ डाउट्स आएँ तो वो भी आज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे बाइक करना है वो मैंने आपको बता देना, यहाँ पे मॉक लगाओगे आपकी रैंकिंग, और सबसे बड़ी चीज़ वाई ग्रुप के एस्पिरेंट, टाइम मैनेजमेंट, रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन को कवर करना, एक्स ग्रुप वालों के लिए मैथ्स और फिजिक्स सेक्शन को कवर करना, टाइम मैनेज करना आप सीख जाने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम डेट, एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग होगा। फेस सेकेंड एग्जाम के लिए मैं आप सभी को प्रिपरेशन करा दूंगा, PDF सोच लीजिए जितना मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा करा दूंगा। चैनल पे ऑलरेडी जितने कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 150 टॉपिक्स प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे खासे नंबर्स ला सकते हो, ठीक है। बाकी सारी की सारी डेटें वैसे भी फिक्स हैं, स्टैटिक हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है, एडमिट कार्ड का डेट मैंने बता ही दिया कि ऑलमोस्ट 15 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है। बाकी किसी दिन लाइव सेशन जरूर करेंगे जब भी टाइम मिलता है, एंड पढ़ते रहो। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आज करो, या टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी दे रखा है। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है अक्सर, अभी आदत सी पड़ गई, अब कवर करेंगे। प्रीपोजिशन करो इंग्लिश पे, स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं, फिक्स वाले टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो। अगर टाइम है आपके पास तो कैप सेक्शन को अच्छा करो, क्योंकि वही आपको आगे ले जाने में मदद करने वाला है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।